हेलो, वेलकम इन एक स्टडी 1024। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज जो 28 मार्च 2018 को आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम था, ये लीक हो गया है। सीबीएसई ने भी इस बात को मान लिया है और सीबीएसई ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पीडीएफ अपलोड की है जिसमें उसने लिखा है कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर एंड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर, ये दोनों पेपर दोबारा होंगे। मतलब सीबीएसई मानती है कि ये दोनों पेपर लीक हुए हैं। हालांकि लीक तो और भी हुए हैं, बट सीबीएसई ने इन दो की बात की अभी, ठीक है। इसके अलावा जो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद मेरा है वो ये है कि मैं इस क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए का सोल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं आगे के क्वेश्चंस का सोल्यूशन अपलोड करूँ या नहीं करूँ ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं कि मुझे अपलोड करना चाहिए तो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि अब अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये पेपर लीक तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसके सोल्यूशन को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, समझ के, तो इससे एक प्रैक्टिस हो जाएगी जो आगे आने वाले पेपर में आपकी मदद करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि मुझे बाकी के सेक्शंस की वीडियो अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।